गतिविधियाँ हैं, कितने दिन क्या होने वाला है मंडल में, हम क्या कर रहे हैं, वो उसकी रूपरेखा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पहले बताई जाएगी, 10-12 मिनट का ये प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद फिर आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन जैसा आप चाहेंगे तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Comparative figures of our cleanliness rating. This is basically Howrah division has one A1 category station like Howrah rating throughout the Pan India basis. So this is our rating in 2016. We are not very good, and over a period of time, slowly with different inputs, we have improved, and now our condition has point-wise improved much. So for Howrah station itself, the rating is not very good. But otherwise, point-wise, there is a lot of improvement as well. Thereafter, in the next phase of activities, in 2018, the Howrah station has been accredited with a green station rating. And it has been rated silver rating from the CII IGBC, which is the only rating organization in the India available for station ratings. So this is a huge accolade, and this has been achieved due to systematic improvements in different fields. So this is what we have achieved in 2018, and thereafter subsequently we continue. ये पूरे पखवाड़े में प्रत्येक दिन हमने एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को चुना है और सफाई से संबंधित जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं हर एक को एक विशेष दिन दिया है, उस दिन विशेष अभियान चलेगा। सफाई तो दिन प्रतिदिन होती है, लेकिन इस पखवाड़े में बहुत ही इफ़ेक्टिव रूप से जो चीज़ें नित प्रतिदिन के उसमें कभी कभी छूट जाती हैं उस पर विशेष बल है। और दूसरा उद्देश्य है इस पखवाड़े का कि हमारे स्टाफ में, पैसेंजर्स में जागरूकता पैदा करना, तो एक बहुत बड़ा काम इसमें जागरूकता का भी है। और वही एक आपको बुलाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जनता से, पैसेंजर से संपर्क के लिए, उनको मैसेज पहुंचाने के लिए मीडिया प्रेस बहुत सशक्त माध्यम है। तो आपके थ्रू ये संदेश, हम आपकी इसमें हेल्प चाहते हैं, ये लोगों तक ये जागरूकता पहुंचेगी, क्योंकि सफाई करना ठीक है एक चीज़ है, लेकिन एक दूसरा पहलू है कि कम से कम गंदगी फैलाएं, स्टेशन परिसर में कचरा ना करें। उसके लिए कानूनी प्रावधान हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन एजुकेट करना कि सफाई सभी के हित में है तो कम से कम गंदगी फैलाएं, ये संदेश पैसेंजर तक पहुँचे, ये एक हमको आप लोगों से सहयोग चाहिए। और इस पखवाड़े में जितनी गतिविधियाँ होंगी उनका प्रचार प्रसार और कवरेज देंगे तो नेचुरली ये जो पूरे देश का ये अभी ये पूरा एक मिशन बन गया है सफाई का, और इसमें संदेश जाएगा और निश्चय ही ना केवल हावड़ा स्टेशन बल्कि पूरे देश में सफाई के अभियान में काफ़ी तरक्की आएगी और हमारा देश एक सुंदर, स्वस्थ और साफ देश के रूप में विकसित होगा, जिस दिशा में हम ऑलरेडी अग्रसर हो चुके हैं। तो ये मेरी तरफ से है, और आपके और कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, हावड़ा स्टेशन का लास्ट रेटिंग जो आप देख रहे हैं 71 है, नॉट वेरी पुअर, 71 इतना पुअर नहीं है, हम नीचे से नहीं हैं, 59 था, फिर सम 60 था, फिर लास्ट में 71 आया, और इस बार हमको उम्मीद है कि सर्वे हो चुका है, हमारी रेटिंग बढ़ेगी। इसमें ये भारतीय रेल, मैं इसमें बताऊँ, यस मैं बताऊँगा, इसमें भारतीय रेलवे में बोर्ड के स्तर पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इनको ये कार दिया है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू हरे